हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्री शर्मा को एंड आज हम बनाने वाले क्ले से यूजफुल थिंग। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया हार्डनर और रेजिन, और इन दोनों को मिक्स करके मैंने इसे वाइट बना दिया है क्ले। एंड देखो, ये मैंने फेविक्रिल का यूज़ किया है जो आता है 25 रुपीज़ का। तो मैंने पहले इस तरह से स्क्वायर को बर्ड शेप देके है ना एक डाइस टाइप बनाया और उसको सूखने दिया। फिर नेक्स्ट मैं एक रैंडम ऐसे पेंसिल का शेप पैक बना रही थी, और मुझे है ना एक पर्सनल मेरा पेन होल्डर कस्टमाइज चाहिए था, पेन और ब्रश होल्डर। पेंटिंग करती तो पेंट नीचे लग जाता है, इसीलिए तो ऐसे मुझे बनाना था। तो ये ऐसे मैंने लिया और रख दिया सूखने। फिर एक मैंने पास ऐसे क्ले लिया एंड बाद में मैं पेंसिल्स को बेल रही थी एकदम मस्त ऐसे चपाती की तरह, और बाद में फिर इस तरह से मैंने लाइंस कट की। मुझे एक्चुअली रेनबो बनाना था, बट रेनबो वो बन नहीं रहा था अच्छे से, मतलब फेल हो गया था रेनबो। तो मैंने सोचा रेनबो की जगह पे हम कुछ अलग बना लेते। देखो गाइस, सब क्राफ्ट तो अच्छे नहीं जाते, कुछ कुछ फेल भी होते हैं और कुछ कुछ सक्सेस भी होते हैं, कुछ कुछ ओवर एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना अच्छा होगा, बट हो जाता है। फिर मैंने फिर से ऐसे ही बेल लिया और बाद में एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया, और मैं बनाने वाली हूँ यूट्यूब का लोगो, मतलब किचन टाइप बनाने वाली हूँ उसका। एंड जो भी मैं क्ले आर्ट्स बनाऊँगी ना, सब यूज़फुल होगा, मतलब सब एक भी वेस्ट नहीं होगा, सब कुछ काम आएंगे। तो इस तरह से मैंने रेक्टेंगुलर बना लिया शेप, एंड उसके बाद मैंने एक ट्राइंगल पीस बना लिया और उसके बीच में चिपका दिया और एक होल बना दिया। फिर मैंने और एक ऐसे सर्कल शेप किया एक ग्लास का, और मुझे कोस्टर टाइप बनाना था तो इसको मैंने अच्छे से शेप दे के इसको भी सूखने दे दिया। एंड पाउडर का यूज़ बहुत करो क्योंकि अपने हैंड्स पे चिपक जाता है, इसीलिए। फिर मैंने एक ऐसे डो लिया और उसके ऊपर से रैंडमली पेंसिल प्रेस कर दिया। तो ये देखो, ये मेरे क्ले आर्टिकल्स बन चुके हैं, एक पेंसिल, डाइस, कोस्टर, ब्रश होल्डर एंड यूट्यूब की किचन। आर्टिकल सूख गए थे अच्छे से एंड मैंने इसके ऊपर वाइट पेंट कर दिया। आपको पता है मैं कोई भी थिंग के ऊपर पेंट करने से पहले वाइट पेंट का एक वार्निश मारती हूँ, वार्निश नहीं बट अब कोट बांधती हूँ। एंड देखो, इस तरह से मैंने सबके ऊपर वाइट पेंट कर दिया, मेरे हाथ भी पूरे वाइट वाइट हो गए थे, बट कोई बात नहीं, फिर लास्ट में वो वर्थ इट था। तो देखो, इस तरह से मैं यूट्यूब लोगो के ऊपर और पेंसिल के ऊपर जो बचा हुआ था ना वहाँ पे भी कर देती हूँ। आई नो ये आर्टिकल सूखे नहीं थे, बट थोड़े ऑलमोस्ट कड़क हो गए थे, तो मैंने सोचा वाइट पेंट कर लेती तो ये जल्दी से कड़क हो गए थे। मेरे आर्टिकल्स ऑलमोस्ट सूख गए थे एंड उसके बाद फिर मैंने पिंक कलर बनाया रेड और वाइट मिक्स करके, एंड मैं पूरे डाइस के ऊपर ऐसे कलर करने लगी थी। मुझे मेरी एक पहले से ड्रीम थी कि एक मेरा खुद का कस्टमाइज्ड डाइस हो, एंड वो ड्रीम पूरी हो गई आज। एंड तो यहाँ पे मैंने रेड कलर से पहले डॉट्स दिए थे करके, तो मैंने 3 ही डॉट्स बनाए थे, और बाद में वाटरमेलन को कलर कर रही थी। तो वाटरमेलन को मैंने कलर कर लिया था ग्रीन और पिंक के साथ, और रेड से मैंने ऐसे सीड्स टाइप बनाए, और ये बहुत ही एस्थेटिक वाटरमेलन होल्डर हो गया था, मतलब। और यहाँ पे रेड कलर अच्छे से डॉट्स में नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा हम लोग ग्रीन कलर एज अ हार्ट्स यूज़ करें, तो मैंने हार्ट्स ड्रॉ किए। एंड बाद में फिर जो सूखा था वहाँ पे फिर 4 और 6 नंबर रह गया था, तो मैंने सोचा बाद में बनला देती हूँ। फिर रेड मैंने रेड पेंट कर लिया यूट्यूब लोगों को, वाइट ऑलरेडी था बट मैंने और एक कोट बांध दिया। तो यहाँ पे देखो, मैंने यूट्यूब का लोगो हो गया था। फिर मैंने ये रेड कलर पेंसिल को यूज़ किया, एंड ये ब्रश होल्डर बहुत ही ऑसम लग रहे थे दोनों भी। तो देखो, इस तरह से मैंने रेड किया, फिर स्किन कलर यूज़ किया पेंसिल के जो टॉप पे होता है वहाँ पे मैंने फिर ब्लैक पेंट यूज़ किया, फिर नीचे भी मैंने इरेजर को यहाँ पे ब्लैक पेंट यूज़ किया। फिर मेरी आइडिया थी ऐसे मैं नटराज पेंसिल आती है वैसे बनाऊँ, बट वो एक्चुअली बहुत ही गंदा दिख रहा था, तो मैंने सोचा इसे सूखने के बाद फिर से रेड पेंट करूँगी। फिर यहाँ पे मैंने एकदम मस्त से पर्पल कलर बना लिया, तो वो बहुत ही क्यूट लग रहा था, एंड पर्सनली मुझे लाइट कलर्स अच्छे लगते हैं। फिर ऐसे ही मैंने ग्रीन कलर बना लिया था, ये कुछ यूज़ का नहीं था, ऐसे ही मैंने बचा हुआ क्ले का बना लिया था। तो यहाँ पे देखो, मैंने फिर से ब्लैक को कर दिया। आपको लग रहा है ये रिवर्स वीडियो, बट नहीं गई, सच्ची में मैंने इसे फिर से रेड में ला दिया। तो इसको मैंने फिर से अभी सूखने दिया, एंड ये सूखने के बाद ऑलमोस्ट रेडी थे। फिर इसमें यहाँ पे मैंने एक सोचा एक ड्राइंग बना लूँ कैक्टस की, तो यहाँ पे मैंने एक कैक्टस की ड्राइंग बना ली थी, वो बहुत ही क्यूट लग रहा था कैक्टस।
तो इसको मैंने फिर डार्क ग्रीन जो होता है कलर उससे मैंने बॉर्डर दे दी। एंड उसके बाद फिर मैंने इसमें एक फ्लावर बना लिया, सन बना लिया एंड कोस्टर रेडी हो गया था। तो देखो सब आर्टिकल्स मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ एंड देखो मैं आपको बताती हूँ। और ये देखो ये कोस्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं हम लोग, फिर ये पेन होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही पर्सनली सबसे अच्छा मुझे वाटरमेलन ब्रश होल्डर अच्छा लगा, फिर डाइस तो मुझे और सम ही लगा था। एंड मैंने यहाँ पे यूट्यूब की रिंग थी तो मैंने डाल दी। और मैंने बनाए थे ऐसे डोनट्स, ये फूड प्लाटर बनाया था, फिर और एक डोनट स्पाइडर मैन कोस्टर एंड फिर से एक पेंटिंग पैलेट की मैंने किचन बनाई थी एंड ये मशरूम का होल की और होल्डर रखा था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।